नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों को लेके आया हूँ खास खबरों के साथ। जी हाँ, आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं कि मैं अभी फिलहाल खड़ा हूँ कॉलेज ग्राउंड के पास। आज लॉकडाउन है, पूरी तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन है। संपूर्ण लॉकडाउन में जो है तो जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इनके खाने और पीने की समस्या बनी हुई है। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे कुछ पब्लिक आपको दिखाई दे रही होगी, ये सब बैठे हुए हैं, एक पूरा परिवार बैठा हुआ है यहाँ पे। और ये जो है तो बिजनेस करने आए हैं, कई अन्य जो है तो शहरों से, अन्य ज़िलों से यहाँ पर बिजनेस करने आए हैं। जानूंगा इनकी क्या समस्याएँ हैं और यहाँ पर जो बिजनेस करने आए हैं तो क्या बिजनेस हो रहा है इनका या नहीं हो रहा है। क्या नाम भैया आपका? सोनू भैया, स्लिपकार। तो आप कहाँ से हैं? सिविल लाइन सतना से। सतना से हैं आप? तो सतना में बिजनेस क्यों नहीं करते आप? वहाँ करते हैं दादा, वहाँ अब नहीं चलता है ना। अब यहाँ आते रहते हैं, हर साल ही आते हैं, चलता रहता था इसलिए आए थे। अभी अब ये लॉकडाउन अभी बीच में हो गया, अभी खुल गया था। कितना बिजनेस कर चुके हैं आप, कब आए यहाँ? यहाँ हमको हो गया है महीना, 15 दिन 2 महीना करीब हो गया है। अभी वही कहीं जा नहीं रहे, अब 2-3 दिन कल परसों से लॉकडाउन लग गया तो बैठे हैं, कहीं जा नहीं रहे। तो ये धंधे का ये बताइए कि 2 दिन तक जो है तो लॉकडाउन है, इस 2 दिन के बीच में अगर लॉकडाउन है तो आप ये कैसे फिर इनका ये सभी का कैसे चलेगा यहाँ? अब क्या करें भैया, जो है घर में वही रूखा सूखा खा रहे हैं और कहाँ से लाएं। तो खाएंगे नहीं होगा तो। माता जी क्या नाम है आपका? गीता। आप भी पूरे परिवार के साथ में? हाँ हाँ। आप कितने लोग आए हैं यहाँ? यहाँ है करीब 15 लोग। 15 लोग हैं मिला के, सभी बच्चे। हाँ हाँ। तो 15 लोगों का खर्च, थोड़ी खड़े हो जाइए आप, 15 लोगों का खर्च यहाँ पे कैसे मेंटेन करते हैं आप? बस यही कर रहे हैं सर, एक आध तो बिक जाता है, इस समय लॉकडाउन है कुछ नहीं बिक रहा है तो जो घर से लाए हैं वही खा रहे हैं। ये अनाज नीचे रखा हुआ है, आपको बोरियों में दिखाई दे रहा होगा, नीचे जो अनाज है यहाँ पे चावल रखा हुआ है, बेचारे लोग बीन रहे हैं उसको एक एक करके, और जो है तो इसे पिसवाने तक आज लॉकडाउन है। तो आप चक्की नहीं ले जा पाए क्या? ले जा, कहाँ ले जाए, सब बंद ही पड़ा है, कहीं चक्की अक्की खुली नहीं है, कोई सामान भी नहीं मिल रहा है, भारी समस्या है। हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत। कैसे ये बताइए आप कि यहाँ डेली कितना कमा लेते हैं? यहाँ इस समय क्या है तो 400-500 रुपये का पहले धंधा हो जाता था, अब इस समय कुछ नहीं हो रहा है। तो 500 रुपये में इतने लोगों का धंधा कैसे होगा? इस देहात जाते रहे गमाई करने, इस समय नहीं जा रहे हैं, देहात में मिल जाता रहा, गमाई हो जाती रही, इस समय गाँव भी नहीं जा रहे हैं, लोग वहाँ घूमने नहीं देते हैं। एक तो देखिए समस्या तो बनी हुई है। हाँ, वो तो है। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क से अब यही घर में, कहीं जाते हैं बाहर तो लगा लेते हैं, अब यहाँ घर में बैठे हैं इसलिए नहीं लगा। इसलिए मतलब ये पूरा परिवार यहाँ पे इकट्ठा है तो कहा जा रहा है कि भाई इनको कोरोना नहीं है इसलिए आपने नहीं लगाया, परिवार में बैठे हुए हैं। जाते हैं अगल बगल घूमने तो लगा लेते हैं ऐसा। हाँ। पैसा कौड़ी हो तो। कितने दिनों से आपने बताया? 2 महीने से यहाँ पे है। हाँ। तो 2 महीनों में आपका जो है तो यहाँ पे कितना बिजनेस हो चुका है, मतलब ये जब पूरा परिवार जो है भैया पड़े हैं यहाँ पे, कोई वो नहीं है, क्या करे, भूख के छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं और क्या करे, वो भी पेट भी चलना मुश्किल है, ये काम धंधा वो भी बंद पड़ा, कहाँ जाए काम धंधा, छोटे छोटे बच्चों को क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे। आपका राशन कार्ड बना हुआ है? हाँ, हमारे घर का है। आपका बना है? मम्मी का, हमारे। आपका बना है या? हाँ, 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 हाँ। आपका बना है? हाँ। तो राशन कार्ड से तो आपको ऑलरेडी खाने के लिए जो है वो तो मिलता होगा? हाँ, मिलता है, मिला है, यही मिला है। मैं राशन कार्ड से जो इनको चावल, ये गेहूँ मिला है, आप गेहूँ जरा देखिएगा, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े, इसे पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं और कई सारे जो है दाने आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये राशन कार्ड के थ्रू जो मिलता है यही राशन है, आप देख सकते हैं। चावल आपने खरीदा या अभी वहीं से मिला है? वहीं से मिला, यही इतना है। और ये चावल है, आप देख रहे होंगे इसमें कई सारे कलर हैं, मतलब कलरफुल चावल मिल रहे हैं, जैसे होली खेली जा रही हो चावल के साथ। ये चावल दे रही है सरकार, जब तक सड़ नहीं जाते तब तक जनता के पास पहुंचाते नहीं हैं, जब तक ख़राब नहीं हो जाते तब तक गोदाम से उठते नहीं हैं। देखने को ये चीज़ मिल रहा है कि बेचारे गरीब जो जनता है खाने को तरसती है, गोदामों में चावल रखा रहता है, सड़ता रहता है, उसका कोई केयर नहीं करता। मैं आपको वहाँ के भी गोदामों का भी किसी दिन भी आपको रिपोर्ट ज़रूर दिखाऊँगा, जहाँ आपको देखने को मिलेगा कि चावल का जो बोरिया है, या कह सकते हैं कि जो धान का बोरियां रखी हुई हैं वहाँ पे, वो किसी भी बोरियों को ढका नहीं गया है, हमने खुद देखा है। हालांकि मैं वहाँ पे आपकी रिपोर्ट ये आपको नहीं दिखा पाया, वो मेरी कमी थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार की नज़रें बिल्कुल नहीं पहुँच पाती इन सब चीज़ों पर। और जो यहाँ मैं बता दूं कि लॉकडाउन जो समस्या जो है, इन गरीबी परिवार जो है, ये सब इस गरीब परिवार की समस्या बनी हुई कि खाने तक की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। धन्यवाद। मैं रवि कुमार पांडे, कैमरामैन राकेश।